रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आपके पास है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 11 बजे का कार्यक्रम था यहाँ पे पहुँचने का, कि उनका जो शेड्यूल आया था वो 11 बजे यहाँ पहुँचने का था, उसी हिसाब से वो वहाँ से निकले हैं और बाई हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। दरअसल जब ये हादसा हुआ उस वक्त से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे। हालाँकि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही सामने नज़र आ रही है। अभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर वो परिजनों से मुलाकात करेंगे, वहां पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनको देखेंगे और उसके बाद फिर आगे आज बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि कमेटी गठित हुई है। लेकिन कमेटी कार्रवाई कब करेगी इसको लेकर वो अब बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो अपने आप में ये एक बड़ा जो है वो हादसा हुआ है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, क्योंकि 121 लोगों की जाने चली जाना ये भी अपने आप में बेहद दुखद है और इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसको लेकर संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है। जाहिर है कि अब वो वहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम चीज़ें जो है वो देखेंगे, समझेंगे, मौके का जाकर मुआयना करेंगे कि कहाँ पर कितनी लाशों का पोस्टमार्टम हुआ है और कितनी डेड बॉडीज़ जो है वो उनके घरों पर भेजी गई हैं। बाबा के पंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें देखिए, बाबा को देने के लिए कार्ड कितने लोग शादी के लाए थे यहाँ पर। ये एक ढेर है शादी के कार्ड का जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, शादी के कार्ड बाबा को देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कार्ड लेके पहुँचे थे कि साहब बाबा हमारे यहाँ शादी में आ जाएं। बाबा का जो आभा मंडल जिसको कहा जाए वो इतना ज़्यादा है कि ढेरों कार्ड उनको यहाँ पर जो उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग आए थे वो लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये अपने आप में ये भी एक जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये है नारायण हरि सिंह, देखिए नाम वाम लिख के लाए हैं लोग, नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। आप देखिए क्या लोग जो है वो प्रतिष्ठा में सारी चीज़ें सब लिखी हुई हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ बाबा का जो आभा मंडल है वो इसका अंदाज़ा यहीं पर लगाया जा सकता है। लेकिन जो बच्चे थे, जो महिलाएं थे जिनकी मौतें हुई हैं, जो उनके घर उजड़ गए हैं, उनके बारे में अभी कोई भी किसी तरह की संज्ञान लेने के लिए कहा जाए कि वो तैयार नहीं है, या ये कहा जाए कि उनका क्या होगा, ये भी जो है वो कहा जा सकता है कि उनके परिवारों का क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी की बेटी चली गई और किसी के बच्चे चले गए और कई बच्चों के सरों से माँ का साया उठ गया। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो यही पंडाल की हैं, जहाँ पर चारों तरफ पानी भर चुका है पूरी तरह से, और यही बारिश अगर कल होती तो यहाँ पर शायद पैर रखने की जगह भी ना होती और हादसा और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि बारिश के वजह से भी भगदड़ होनी तय थी। आप देखिए जहाँ बाबा का पंडाल बना है वहाँ तक पानी एकदम नीचे तक आ गया है। किसी तरह की कोई भी जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो मौजूद थे, वो वहाँ ऊपर जो है वो मंच पर बाबा के अब चढ़ गए हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें देखने को इस तरह से मिल रही हैं कि कहीं पर कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। पानी गिरने का वक्त था, मौसम जो है वो बारिश का चल रहा है, पंडाल की स्थिति हमने आपको दिखाई कि किस तरह का है, यहाँ की ज़मीनी हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि पता नहीं किस हिसाब से क्या व्यवस्था की गई। और SDM साहब भी लाजवाब निकले, उन्होंने परमिशन दिया कि नहीं साहब इस बारिश के मौसम में जाइए और जाके खेत के अंदर आप सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम कर लीजिए, चाहे 1,00,000 इकट्ठा हो चाहे 2,00,000 इकट्ठा हो, मरेंगे तो वो लोग मरेंगे, हमारे घर का थोड़े ना मर रहा है कोई कि हमको लेना देना है उससे। तो जाहिर है कि इस तरह की अव्यवस्थाएं जो फैली, ना तो पुलिस प्रशासन कि इसमें किसी तरह का सहयोग कर पाया कि पब्लिक को रोकना चाहिए था या परमिशन रद्द कर देनी चाहिए थी। LIU क्या फेल हो गया था आपका? आप क्यों नहीं परमिशन रद्द कर पाए? क्या आप लोग इतने नाकारे और निकम्मे हो गए हैं कि परमिशन इतनी बड़ी थी? क्योंकि इतने सारे हादसे हो जाना, इतने लोगों की जान चली जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और
इस तरह का हादसा पूरे जीवन में जो है वो मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह से लाशों को मोटरसाइकिल पे लाद के लाया गया हो। साइकिल पर लाद के लाशें लाई जा रही थी, बच्चों के दूध की बोतलें हमने दिखाई कि किस तरह से, आप देखिए कि ये बोतलें जो है वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए लोग लेकर आए थे अपने बच्चों को साथ में। ये आधा पानी है, आधा इसमें दूध है और आधा दूध पिलाया गया था, बच्चों को दूध नहीं पिला पाए माएँ अपनी और इस हादसे का शिकार हो गई। तमाम आधार कार्ड पड़े हुए हैं। ये खाने हमने दिखाए कि खाना लोग खाने के लिए आए थे, जिनके पास टिफिन भी नहीं था वो अपना इसमें खाना लेकर आए थे पॉलिथीन में, और पूड़ियां लेकर आए थे कि हम सत्संग और प्रवचन के बाद इसको खाएंगे। तो ये इस तरह की भयावह तस्वीरें रही, ये महज बद इंतजामी का नतीजा है, किसी तरह की कोई भी इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल नहीं किए गए। लोगों के टिफिन आप बैगों के बैग के अंदर देख सकते हैं कि लोगों के टिफिन यहाँ पर जो है वो पड़े हुए हैं, खुले हुए टिफिन पड़े हुए हैं खाने के लिए। रोटियां देखिए आप किस तरह से उधर टिफिन में किनारे वो वहां पर पड़ी हुई हैं। तो ये सारे के जो हादसात हुए हैं ये मामूली हादसा नहीं है, किसी का पैंट उतर गया, किसी का शर्ट उतर गया, कोई बदहवास अवस्था में रहा, किसी के कपड़े जो है वो फट गए, कोई जो है वो मारा गया भगदड़ में, कोई पैरों तले कुचल दिया गया। तो ये किस तरह की व्यवस्था थी, क्या इंतजाम थे आखिर, ये तो बहुत जो है वो आप देखिए कि लोग जो है वो चलकर जा रहे हैं। और ये बच्चों की छोटे छोटे बच्चे जो चप्पल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, ये महज एक से डेढ़ साल के बच्चे की जो है वो चप्पलें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, दूर से दिखा रहे हैं। पानी भरा हुआ, इससे पहले भी हमने तस्वीर यहाँ पर दिखाई है, लोगों के जूते पड़े हुए हैं बिखरे हुए। भगदड़ का आलम ये था, इसी तरह की जो है वो तस्वीरें हमने दिखाई है, हर तरफ अव्यवस्था का आलम था। और SDM साहब कह रहे हैं कि FIR में बाबा का नाम नहीं है, नाम है आयोजकों का और सेवादारों का, बाकी किसी का नहीं है। अपना दामन बचा लिया कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो, हम लोग बचे रहें, बस इस तरह की चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई। और चाहे वो जिला प्रशासन के अफसर हों और चाहे फिर पुलिस के अफसर हों, इन पर सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 122 लोगों की जान, 125 लोगों की जान चले जाना ये आसान लगता होगा, लेकिन उन कलेजों से पूछिए, उन दिलों से पूछिए कि जिनके घर का चिराग बुझ गया और जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है, अब वो किसके सहारे जियेंगे? 2 लाख रुपए दिए गए हैं, क्या उस 2 लाख से उनका पूरी जिंदगी पार हो जाएगी? क्या उसके सहारे जो है वो अपनी जिंदगी काट लेंगे? लोगों के दिलों में जो दर्द है उसको कैसे सरकार दूर करेगी, प्रशासन दूर करेगा, इस पे बात होनी चाहिए। अब जिनके घर का चश्मो चिराग चला गया, जिनके घर के बुजुर्ग चले गए, जिनके घर में बच्चे थे छोटे, वो मौत के घाट उतार दिए गए या मौत भगदड़ में मारे गए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऐसे लोग जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ढोंगी बाबाओं को, इस तरह के जो आयोजक हैं उनको कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। इतनी बड़ी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है। बाबा ने क्या किसी अपने भक्त की सुधि ली? क्या किसी को फोन किया? क्या बाबा यहाँ से प्रवचन करके भागा तो किसी से संपर्क किया उसने, या किसी भक्त का अपने कॉन्टेक्ट किया कि भैया कैसे हो, क्या हो गया, क्या? इस तरह की चीजें कहीं पर देखने को नहीं। बाबा भागा हुआ है, और बाबा इसलिए भी भागा हुआ है कि कहीं सेटिंग गेटिंग में उसको आसानी हो। दरअसल पुलिस प्रशासन के हाथ रहेगा, सामने रहेगा तो सवाल उठेंगे, मीडिया सवाल खड़ा करेगा, इसलिए भागा हुआ है कि बाद में सेटिंग गेटिंग कर दी जाएगी, वहाँ पे बातचीत हो जाएगी, मुकदमा भी दर्ज होगा तो मामूली धाराओं में दर्ज होगा। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए लोग करते हैं। बहरहाल बाबा का इतिहास सबको पता है कि पुलिस में था, फिर मुकदमा उसके ऊपर लिखा गया, तमाम चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिली। बहरहाल अब इन जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिला प्रशासन के अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर आगे के लोगों के लिए नज़ीर बनेगा कि इतने बड़ा हादसा होने से कैसे टाला जा सकता है। व्यवस्थाओं का आलम बिल्कुल